नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप सभी का स्वागत है न्यूज भारत 20 पर। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गढ़दावत में प्राचीन मां आसवरी मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। चारू धाम मिश्रा की खास रिपोर्ट दावत रोहतास से। आपको बता दें कि दावत रोहतास प्रखंड मुख्यालय स्थित गढ़दावत में प्राचीन मां आसवरी मंदिर का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ग्रामीण बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि यह मंदिर मां के शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। यहां मां का चरण मिला था। मां आसवरी ढेकहा राजपुत्र वंश के कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। आज सुबह में मंदिर के पुजारी अंजनी पाठक के नेतृत्व में ब्राह्मण के समूह ने वैदिक मंत्रों के साथ माँ का पूजा अर्चना व हवन के बाद महाआरती किया गया। कार्यक्रम में औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह, बड़हरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ बिहार के कई गांव के ढेकहा राजपुत्र वंश के लोगों के साथ ग्रामीण भक्तगण शामिल होकर मां का पूजा अर्चना किया। भक्तों ने भजन कीर्तन कर मां का आराधना किया। इस मौके पर भाजपा सांसद सुशील सिंह ने कहा कि यह हमारे वंश की कुलदेवी के साथ एक शक्तिपीठ के रूप में भक्तों के लिए स्थापित है। मंदिर के विकास में यहाँ के ग्रामीणों की राय से पहले भी सहयोग किया हूँ और आगे भी यहाँ के लोगों जैसा कहेंगे मैं माँ की सेवा में तत्पर रहूँगा। ग्रामीणों के द्वारा माँ के आशीर्वाद के रूप में भगवा चादर ओढ़कर सांसद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में हरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, मंत्री मनोज कुमार सिंह, महेंद्र सिंह, आरके सिंह, गुड्डू सिंह समेत कई सैकड़ों पुरुष महिला भक्त उपस्थित थे। ऐसा कहा गया है हमारे जो वंशज पूर्व के थे दरिया बाबा, उनके अनुसार यह जो है कुल देवी का स्थापना किया गया है। ऐसा जो जितने भी हिंदुस्तान में ढेकहा जो है वंश के जो है राजपूत, वे उनका ताल्लुक इसी मंदिर से, यही कुल देवी है। हम लोग कुल देवी का एक कहा गया कहावत है कि नदी गोदावरी, माँ जो है असावरी और गांव जो है मावारी। यही जो है एक प्राचीन काल से जो है ये चला आ रहा है, इसी के कारण जो है। और आज की तिथि जो है जो 3 मार्च माँ का जन्मदिन। आज के लिए इतना ही, और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।